हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं करूँगा रेगुलर वीडियो अपलोड करने की, कि चूँकि मैं अपने असाइनमेंट में बिजी था इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, जब भी अगर वैकेंसी आई सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की, तब से मैं रेगुलर अपडेट करते रहूँगा वीडियो। और जो भी नए न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी या कुछ इंपॉर्टेंट हिडन सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आसानी से मार्क्स उठाए जा सकते हैं, उसके मैं ट्राई करूँगा, उसमें अपडेट आपको बराबर देते रहूँगा। ठीक है, आज जो मैं आपको बताऊँगा वो ड्राइंग्स के बारे में बताऊँगा। और आप ये ध्यान में रखिए, ये जो सेक्शन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर के ड्राइंग्स के सिलेबस है, दोनों सेम ही है, सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा भी होता है कि सेक्शन इंजीनियर के क्वेश्चंस जूनियर इंजीनियर में आते हैं या जूनियर के सेक्शन में आते हैं, या कुछ ऐसा नहीं है कि सेक्शन में हार्ड आते हैं या जूनियर में ईजी आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में सेम ही आते हैं। तो इसलिए आप लोग ये देख के प्रिपरेशन करें, ठीक है, दोनों के लिए एक ही सिलेबस है। चलिए, आज का जो हमारा एजेंडा है वो मैं प्रीवियस ईयर के बारे में पहले डिस्कस करूँगा, फिर यूनिट्स, मेजरमेंट, स्केल, आरएफ, ये कर्व्स, प्लेन्स, प्रोजेक्शन, ये इसके बारे में बताऊँगा, और लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए आते हैं सैम्पल पेपर पे। देखिए, सेक्शन इंजीनियर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं 2015 के एक क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं, आपको दिए रहेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे और आपको बतानी है। सेकंड देखिए, इमेज है, आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, बोल्ट, स्टड, पोस्ट, किस टाइप का इमेज है, ये बताना है आपको। स्केल्स है, कॉनिक सेक्शन एक रहेगा ही, एक आइसोमेट्रिक से रहेगा ही। आप जो ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चंस इसमें पूछा और फिर दूसरे पेपर में आपको ये नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सारे पेपर का एनालिसिस किया, तो जो मैं पाया कि ऑर्थोग्राफिक से आएगा ही, इमेज और आरएफ को एक आता है, एक स्केल्स आता ही है, और ये कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस, कॉनिक सेक्शन से या फिर इंजीनियरिंग कर्व से एक क्वेश्चन आएंगे, फिर आइसोमेट्रिक से एक क्वेश्चन आएंगे। ये सारे जो पैटर्न है, पाँच छः, इनके आपको छः, मेनली छः या सात पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपके पांच क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। और सेम है आपके जूनियर इंजीनियर का भी, मैप के क्वेश्चन, ये स्केल के क्वेश्चन हैं आपका, फिर से ये कॉनिक्स कर्व के क्वेश्चन हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस हैं, सेम आपको आरएफ निकालने या जो भी इमेज आपका, सारे एक ही क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे रिपीटेड भी रहते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, मेजरिंग यूनिट। ठीक है, देखिए, ड्राइंग पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेजरिंग यूनिट के बारे में, कि आपको फैमिलियर होना है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, योटा, जो भी जेटा, सारे यूनिट्स के बारे में आपको क्लियर होने हैं क्या है। आपको यहाँ पे साइड में आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, ये यूनिट कन्वर्सन के लिए मैं लिख के दिया हूँ। और यहाँ पे जो मीटर, ग्राम देख रहे हैं, अगर आपको ग्राम में पूछा है, सेकंड में पूछा, मीटर में पूछा है, कोई भी यहाँ पे यूनिट ले, आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे किलोमीटर, किलोग्राम, सब में डाल दीजिए, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, जिससे पूछा। ठीक है, जैसे चलते हैं, अगर आप नीचे से मिली से अगर किलो जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 to the power के। ठीक है, ये 10 to the power पे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मिली से अगर मैं डेसी जाएँ तो 10 to the power -2 हो जाएंगे, अगर मिली से अगर किलो जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 10 to the power -6 हो जाएगा, तो उसको डिवाइड ऐसे होगा। ठीक है, अगर किलो से अगर डेका आए तो 10 to the power 2 से होगा, यानी कि 1 kilo = 1 k, अगर किलोमीटर ले लेता 1 kilometer = 10 to the power 2 डेका मीटर, एंड 1 kilo = 1000 meter, 1000 means 10 to the power 3। ठीक है, तो ऐसे हमारे यूनिट कन्वर्सन होते हैं, आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर 20 से भी जाएं, जैसे हेक्टो से डेसी जाएं, हेक्टो से डेसी जाने में आपको 1 2 3 नीचे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, 10 to the power 3 से, देखिए 30 आप कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह आप जैसे जैसे ऊपर नीचे, आपको ये पता रहना चाहिए, आपको फैमिलियर होने के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख दिया और डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसका कन्वर्सन,
तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर RF की क्वेश्चंस आएंगे या बहुत सारे ड्राइंग के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको ये कन्वर्सन जरूरी होता है, ये इससे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेली से सेंटी करना पड़ेगा, या जो भी है आपको आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे, हम नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, एक और मेजरिंग यूनिट है, ये इंच, फीट, यार्ड, माइल्स है। इसमें भी आपको फैमिलियर होने हैं। तो ठीक है, इसमें भी आपको कन्वर्सन अगर पूछे जाए कि फीट टू इंचेस क्या होगी, या 1 यार्ड इक्वल टू कितने इंच होंगे, अगर यहाँ से आपको 1 यार्ड इक्वल टू इंच पूछा जाता है तो ऐसे जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। सो 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच, इसी तरह 1 माइल्स इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1760 × 3 × 12, ऐसे चलेगा। अगर इसी तरह आप इधर से आए तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, आपको कुछ सिर्फ याद रखना है। हाँ, इतना इंच इक्वल टू ये, फीट इक्वल टू ये उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको RF निकालना है, या कहीं के कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना माइल्स इक्वल टू कितना फीट होगा, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। RF, देखिए RF क्या है, RF जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे बेसिक पार्ट है। RF आपको एक आसान भाषा में मैं इसे समझा सकता हूँ। अगर कोई आप ड्राइंग लीजिए, अगर बनाते हैं आप, अगर मकान का ड्राइंग बनाते हैं, तो मकान देखिए कितना बड़ा है, करीब 20, मान लीजिए 20 मीटर का कोई मकान है, उसको मुझे एक पेपर पे दिखाना है उस हिसाब से, तो कैसे दिखाएंगे डायरेक्ट, तो मैं 20 मीटर तो पेपर पे बना नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिड्यूस स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रिड्यूस स्केल, वो जो फैक्टर है उसको मैं बोलता हूँ RF। अगर सिमिलरली अगर कोई छोटा चीज़ है, अगर छोटा मान लीजिए कुछ पार्ट है बहुत माइक्रो में है, और उसको मैं बड़ा स्केल पे दिखाना चाह रहा हूँ मैप पे, ताकि आराम से लोग देख सके, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए लार्ज स्केल हो जाएगा, और वो इसको भी RF बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस टू एकोमोडेट ऑन स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट, दिस रिडक्शन क्रिएट द स्केल ऑफ दैट रिडक्शन रेशियो विच इज जनरली ए फ्रैक्शन, सच स्केल इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, सिमिलरली देखिए फुल साइज स्केल है, अगर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा मैं पेपर बना रहा हूँ, 1:1 हो गया ऑब्वियस है, फिर रिड्यूस हो गया 1:2 हो गया, इन लार्ज 2:1। आपको डिटेल्स में फॉर्मूले के साथ भी दिखा रहा हूँ, RF का ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो ड्राइंग है जैसे मेरा मकान का एग्जांपल दिया, उसमें कैसा RF आ रहा था, 1:2 सम रेशियो, लाइक 1:3 आ रहा था, या 1:2, 1:4 कुछ भी आ रहा था, तो ये एक्चुअल है 1, और यहाँ पे जो ड्राइंग है लेंथ ऑफ द ड्राइंग है 1, और एक्चुअल लेंथ अगर मान लीजिए मेरा बड़ा था तो ये छोटा है, और बड़ा मान लीजिए इससे 4 गुना बड़ा मकान है, जो पेपर है उससे 4 गुना, या 4 गुना तो नहीं है, अगर मैं ले लेता हूँ तो इसको 4 लाख गुना ले लेता हूँ। ठीक है, इतना गुना मेरा, चलिए 40,000 गुना मेरा मकान है, पेपर मेरा 1 लिया है, तो ऐसा RF निकला, 1:2 इतना। ये जनरली CM मीटर या इस तरह रहेगा, क्योंकि RF हमेशा बड़ा ही रहता है, जो भी एक्चुअल लेंथ रहेगा तो वो मीटर में रहेगा, और जो पेपर रहता है वो मैं सेंटीमीटर में लेता हूँ। इसीलिए इसी तरह सिमिलरली अगर छोटे के लिए जाएगा, अगर कुछ बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे RF उल्टा हो जाएगा। RF मीन्स उल्टा मीन्स ये जो बड़ा क्वांटिटी है वो ऊपर आ जाएगा और छोटा क्वांटिटी नीचे हो जाएगा। ये कौन से केस में, अगर मेरा लार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैं बड़ा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल को लार्ज में कर रहा हूँ, तब ये हो जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान में रखें RF निकलने के लिए, और RF कमोवेश आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे,
जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसमें 95% चांसेस है कि आपको आरएफ का एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, सेम है कैलकुलेशन आरएफ, मैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला दिया हूँ, कभी डायमेंशन से लेंथ से एक ही है, आपको नीचे में एक्चुअल रहेंगे और वो ड्राइंग करना है उसी से आप ये देख सकते हैं फार्मूला क्या। और हाँ, मैं ये जो जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ हमारे स्लाइड, सबका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसका मैं पीडीएफ करके लिंक दे दूंगा, या तो फेसबुक, ज़्यादातर चांसेस है मैं फेसबुक पे अपलोड कर लूँगा, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, वहाँ पे अपलोड करें, वहाँ से आप रेगुलरली ये नोट्स और जितना भी मेरा पीपीटी है वो सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आते हैं स्केल्स में, जो प्लेन स्केल है ये हमारा डायमेंशन सिंगल डेसिमल अप टू ये मेजर कर पाएगा। ये सिंपल स्केल है जो आप नॉर्मली आप यूज करते हैं घर पे, जो भी स्केल्स है, जीरो जीरो से स्टार्ट होंगे एंड जहाँ तक आपको 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा वो वहाँ से मेजर करेंगे। इससे आपका एक्यूरेट जो मेजरमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। अगर आप डायगोनल स्केल है, ये डायमेंशन 2 डायमेंशंस तक ये मेजर कर सकता है, जैसे कि 4.35 अगर कोई यूनिट दे दी, 4.35 सेंटीमीटर, तो ये 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे इजीली यहाँ डायगोनल स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि डायगोनल स्केल कैसे स्केल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह वर्नियर स्केल, इसी तरह वर्नियर स्केल से भी आप छोटे से छोटे जो रहते हैं, छोटे से छोटे आप देखिए, इसी तरह वर्नियर स्केल से आप छोटे 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 मेजरमेंट का आप प्रिसाइजली आप इसे मेजर कर सकते हैं। आगे आप वर्नियर स्केल का कैसे, आगे मैं दिखाता हूँ वर्नियर स्केल्स कैसे रहते हैं और कैसे इसके मेजर करते हैं। इसी तरह कंपेरेटिव स्केल्स, 2 डिफरेंट यूनिट को कंपेयर करेगा, स्केल और कॉर्ड ये एंगल के द्वारा करता है मेजरमेंट, ठीक है। ये प्लेन स्केल का है, आप देख सकते हैं, इसको बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जांपल इसलिए दिया हूँ कि आप यहाँ से समझें, पढ़ें और समझें। ये नॉर्मल स्केल से जो आप घर में रहते हैं और कैसे मेजर करता हूँ, देखिए हमेशा आरएफ कैलकुलेशन फर्स्ट होगा जो मैं दिया हूँ। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आरएफ के लिए, कि क्या दिया हुआ है, ड्रॉ स्केल ऑफ स्केल 1 cm इज इक्वल टू इतना, टू रीड डेसिमल टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 mm। ये आरएफ क्या हुआ है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है, वन स्केल क्या है मेरा ड्राइंग, ये लेंथ ऑफ ड्राइंग है, ये 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेकेंड, देखिए आरएफ का यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर होगा, और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, तो आरएफ मेरा मेरा 1:100 हो गया। लेंथ ऑफ स्केल सिमिलरली क्या हो जाएगा, जितना मेरा ये डिस्टेंस दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 सेंटीमीटर का मेरा स्केल हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसीजर से प्लेन स्केल से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट आइए डायगोनल स्केल्स। देखिए डायगोनल स्केल्स का कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होता है, जिससे कि 2 डायमेंशंस का इजीली जो फ्रैक्शंस रहते हैं इजीली आप मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से प्रोसेस, ये समझने के लिए एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ देखिए डायगोनल क्या है, स्केल क्या है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछे तो आप इससे बता सकें। उसी तरह वर्नियर स्केल्स आई है, ये भी वही है, सेम है कि इसे वेरी स्मॉल यूनिट जो होता है वो एक्यूरेसी के साथ इसे करते हैं। देखिए 2 टाइप के यहाँ पे रहते हैं, एक प्राइमरी स्केल हुआ और ये वर्नियर स्केल हुआ, इसको मूव कर करके हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इंजीनियरिंग किए होंगे, अच्छे से लैब वैब होता है, तो वर्नियर स्केल का यूज आप बहुत किए होंगे फिजिक्स में, तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर स्केल ऑफ कोड, आप देख सकते हैं कैसे ड्राइंग होता है,
प्रोसीजर आप देख सकते हैं, बस एक समझने के लिए, वन टाइम आप समझने के लिए कर सकते हैं। तो रेस्ट जब क्वेश्चंस आएंगे आप प्रैक्टिकली आप समझोगे उसमें कैसे होता है। सिमिलरली कंपेरेटिव स्किल्स, ठीक। अब आइए मेन पार्ट पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व। इससे आपको एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको इसे कोनिक सेक्शंस, ये आप अच्छे से कर लें। आप आशा है कि आप कोनिक सेक्शन बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, लाइक मैथ में भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसी तरह आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाइए। कोनिक सेक्शंस देखिए, ये सब कोनिक सेक्शन जो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कोन से बना है, इसीलिए इसका नाम कोनिक सेक्शन पड़ा है। और ये जितने भी कर्व, इन्वोल्यूट, साइक्लॉयड, एपिसाइक्लॉयड, हाइपोसाइक्लॉयड या स्पायरल, हेलिक्स, सब आप फैमिलियर होना चाहिए कैसे क्रिएट होता है। एक बार अगर फैमिलियर हो गया, आप कोई भी वहाँ पे सिचुएशन देगा आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कर्व है। फर्स्ट आइए कोनिक सेक्शन पे। कोनिक सेक्शन देखिए, ये कोन है, कैसे कैसे बना है। यहाँ पे अगर कट किया, इसके पैरेलल आप कॉर्ड कट किए तो इलिप्स बन गया। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पैरेलली मैं कट करता, सॉरी, इसके पैरेलल कट करता तो मेरा सर्कल बन जाता। पैराबोला अगर बेस पे कट करूँगा तो ये हो जाएगा। हाइप सिमिलरली हाइपरबोला। तो आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप देखें वीडियो, आप समझ जाएंगे। देखिए ये कोन है, इसको एकदम पैरेलल काटे बेस के तो ये सर्कल बनेगा, ठीक। ये सर्कल बना, थोड़ा सा झुका के पैरेलल बेस से पहले काटेंगे, ये इलिप्स बनेगा। नेक्स्ट बेस तक काटते हैं तो ये पाराबोला बन गया, वन साइडेड फ्री है। और फिर सिमिलरली ये मेरा हाइपरबोला बन गया, आप देख सकते हैं। आप एक कोन में देखिए, यहाँ पर हाइपरबोला, पाराबोला, एलिप्स सर्कल, ठीक है। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आइए सैटेलाइट्स पे। सर्कुलाइड आप नेम से भी समझ सकते हैं, साइकिल का जो रिंग होता है ना, वहाँ से आप एक स्पाइक्स को अगर वहाँ पे एक पॉइंट लेते हो और साइकिल जब मूव करता है, जैसे जैसे वो आपका कंस्ट्रक्शन बनता है, वो सर्कुलाइड है। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑन पेरीफेरी ऑफ सर्कल विच रोल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पार्ट। साइकिल स्ट्रेट लाइन पार्ट है। तो द साइक्लॉयड इज ए कर्व जनरेटेड बाई पॉइंट ऑन सर्कमफ्रांस ऑफ ए सर्किल। जो भी सर्कल, ये पहिया मान लीजिए, यहाँ से एक स्पाइक है वो जनरेट करता है, यहाँ से ये कर्व जनरेट किया एज ए सर्किल रोल चलाऊँ। जब भी साइकिल यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में रोल करेगा तो यहाँ से जनरेट होगा। एक वीडियो में दिखाता हूँ, देखिए ये साइकिल के रोल कर रहा है, ऐसा कर्व बन रहा है, ये कर्व मेरा, एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये कर्व जो है मेरा वो साइक्लॉयड हुआ। एक और वीडियो दिखाता हूँ, इसमें और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए दो से दो इसमें है, छोटा है, बड़ा है, दोनों से रहा, ये दोनों क्या है, सर्कुलाइड कंस्ट्रक्शन। मोटर बाइक का देख लीजिए, एक फिक्स पॉइंट पकड़ लीजिए पहिया में और वहाँ से अगर जैसा जैसा बनाएगा उस तरह से, आशा है कि सर्कुलाइड आप समझ में आ गया होगा अब अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं इन्वोल्यूट। ये नाम इसका जो मीनिंग है, उलझा हुआ, जो एक सर्कल है वहाँ से एक फ्री स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वॉन्ड कीजिए एक सर्कल पे, उसको बोल देते हैं इन्वोल्यूट। आप ये सब नाम में कंफ्यूज मत हो, ये किसी भी तरह आप याद रखें, क्योंकि ये इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं जितना भी इंजीनियरिंग कर्व्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हेलिक्स। ये हेलिक्स का एक कर्व जनरेटेड बाई पॉइंट विच मूव्स अराउंड ए सर्फेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। देखिए राइट सर्कुलर कॉन अगर समझ लीजिए, वहाँ से एक धागा आप इसे फ्रीली आप घुमा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, हेलिक्स। आप ये वीडियो देखिए हेलिक्स का, ऐसा कुछ रहता है हेलिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अब स्पाइरल। ऐसा इमेज आपने देखा होगा, सब लोग कंसंट्रेशन के बनाने के लिए करते हैं, तो इसको स्पाइरल कहते हैं। इट इज़ ए कर्व जनरेटेड बाय पॉइंट विच रिवॉल्व अराउंड ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, उसके अराउंड में ये रिवॉल्व करता है एट द फिक्स एंड टूवर्ड्स इट, ठीक है। तो ये भी वीडियो देख लीजिए, सेम ही है। एक इसके अंतर्गत जैसे मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट के अंतर्गत, तो उसको स्पायरल बोल दिए।
ये मेरा इंजीनियरिंग कर्व का था, अगर कोई कर्व मुझसे छूट गया है आप कमेंट करके तो बता सकते हैं, मैं फिर से वीडियो जो लूँगा उसमें मैं इंक्लूड कर दूँगा उसको। प्लेन्स के बारे में आज ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नॉर्मल बताऊँगा प्लेन्स के बारे में, ताकि आपको नॉर्मल क्वेश्चन आप जनरली सब क्वेश्चन आप इससे हैंडल कर सकते हैं। एक और वीडियो लूँगा जिसमें कि आप सारा डिस्कस करूँगा आइसोमेट्रिक एंड जितने भी प्लान हैं। ठीक, तो प्लेन देखिए ये वीपी होता है, जो हॉरिजेंटल के साथ रहेगा वो एचपी रहेगा, जो वर्टिकल इससे जो 90 डिग्री रहेगा ये प्लेन है, ये जो मैं स्क्वायर की इसमें किया है वो प्लेन है। अगर आप मोबाइल रख देते हैं मान लीजिए बेड पे, तो वो एक प्लेन हो जाता है, वो एचपी हो गया। अगर दूसरा मोबाइल अगर हम पैरेलली उसके रखें तो वो मेरा वीपी हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको कंडीशंस दिए जाएंगे, कुछ चीज़ एचपी के ऊपर है एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे दिया गया, अगर वो एचपी के ऊपर है और बिहाइंड द वीपी है तो वह कहाँ पे रहेगा? तो यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हैं कि वो सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा। इसी तरह सारा आपको याद रखनी है, जाएगा एचपी के नीचे और वीपी के इन फ्रंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेंगे, सिमिलरली बिलो एचपी एंड बिहाइंड एचपी है तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेंगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे कि टॉप व्यू में दिख रहा है पेंसिल दिख रहा है, या टॉप व्यू में आपकी इमेज दिख रहा है, ठीक है, और फ्रंट व्यू में आपको पॉइंट दिख रहा है, तो वहाँ से इमेजिन करनी है आपको क्या वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अब आते हैं क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते हैं एक एक। आइए चलते हैं पेपर पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस पहले सेक्शन इंजीनियरिंग के पेपर पे जाते हैं, ये 2015 का पेपर है। आप मैं शेयर कर दूंगा पेपर का लिंक, आप पूरा पेपर देख सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन आर डिस्क्राइब एज लाइंग 20 mm बिलो एचपी एंड 25 mm इन द फ्रंट ऑफ वीपी। जैसे कि आपने वो इमेज आपको दिखाया उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन से ही है, आप इसे मान लीजिए ये एचपी है, ये वीपी है, यहाँ से बोल रहा है 20 mm बिलो एचपी, ये एचपी है, एचपी ये 20 mm बिलो है। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस मेरा 20 है तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है? यहाँ पे कहीं पे भी होगा। अब यहाँ से बोला 25 mm एव वीपी, ये वीपी है, वीपी के 25 mm इन फ्रंट है, यानी कि मान लीजिए ये 25 है, 25 है तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ हुआ, 1, 2, 3 एंड ये 4। सो राइट आंसर इसका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह आइए ऑब्जेक्ट सोन इज, ये डायरेक्ट डायरेक्ट है ये क्वेश्चंस, ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये स्टड है, नेक्स्ट आइए स्केल पे। स्केल इज टू बी डिवाइस टू रीड मीटर डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्केल इज सुटेबली बेस्ट फॉर द पर्पस। जैसा कि मैंने आपने बोला कि ये डेसिमल के टू डेसिमल अप टू डायगोनल एंड वर्नियर स्केल मेजर करता है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। सिर्फ डिफरेंस है कि मेथड ऑफ दोनों का डिफरेंस है, बट मेजरमेंट दोनों एक ही करता है, ठीक है। वर्नियर स्केल जब छोटी छोटी मेजरमेंट करने रहते हैं वहाँ पे मैं यूज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन आपने जैसे कि मैंने डायरेक्टली बताया कि सर्कल है, पाराबोला है एंड इलिप्स है, ये तीनों कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन किसको बोलते हैं? जो कोन से बना रहता है, ये जो कोन है इस कोन से जो भी बना रहेगा उसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं। मैं अपने वीडियो में जैसे कि हमने दिखाया कि इससे सर्कल बनता है, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो स्क्वायर नहीं बनता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह इन आइसोमेट्रिक स्केल द एंगल बिटवीन लाइन एंड आइसो इक्विवेलेंट लाइन इज, ये 15 डिग्री होता है इसका आंसर। मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आइसोमेट्रिक के बारे में चर्चा करूंगा, वहां पे मैं आपको डिटेल्स इसका बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं,
हाँ ये एक पेपर था, हर एक पेपर में देखिए 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो चाहे वो जूनियर इंजीनियर है या सेक्शन इंजीनियर है, 5 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आइए अब जूनियर इंजीनियर में। ए मैप शोइंग नेटवर्क ऑफ रोड हैज़ टू डिस्प्ले डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ माइल्स एंड किलोमीटर बोथ। देखिए यहाँ पे माइल्स और किलोमीटर आ गया है, दो यूनिट आ गया, तो दोनों यूनिट को मैप दिखा रहा है। तो विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज सुटेबली फॉर दिस पर्पज़। तो इसके लिए कौन सा, जहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे दो इस दो डिफरेंट टाइप के ये आ जाएंगे, यूनिट आ जाएंगे, तो वहाँ पे कंपेरेटिव स्केल आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ कॉमन टू सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ये तो मैं कितने बार आपको बता दें, ये कौन इसका। ठीक है नेक्स्ट आते हैं, टॉप व्यू ऑफ ए ट्रिंगुलर प्लान अपीयर्स एज ए लाइन एंड एंड इट्स फ्रंट व्यू एज ए ट्रिंगल ऑफ ओरिजिन साइज द प्लेन इज। ये सिमिलरली आप वही बनाइए, आपको पता है ये टॉप व्यू, अगर यहाँ से ऊपर से देखें कोई चीज़ आपको लाइन दिखे, ठीक है, और आप अगर साइड से दिखें तो उसको ट्रिंगल देखें। आप अगर कुछ हाथ में, जैसे कि अभी मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल हाथ में लिए, उसको आप ट्रेंगुलर शेप समझिए, ठीक है। उसको अगर टॉप में अगर वर्टिकली आप मोबाइल को रखिए, जिस तरह से आप खड़ा रह के बात करते हैं तो वर्टिकल रहता है, ऊपर से देखिए तो मोबाइल एक लाइन दिखेगी, और साइड से दिखेगा तो ये स्क्वायर दिखता है, अगर यहाँ पे आप ट्रेंगुलर मान लीजिए तो वो ट्रेंगल दिखेगा। तो ये यहाँ पे आप सिचुएशन देखिए क्या है, फिर परपेंडिकुलर टू एच पी, जब खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर टू एच पी तो होगा ही, एंड पैरेलल टू वी पी, आपको पहला आंसर ही सही है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। इसी तरह आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कुछ भी हाथ में रहे उससे आप इमेजिन करके आप देख सकते हैं कि क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इमेज है, ये आपको पूछा जाएगा ये कौन सा है, इमेज की रिप्रेजेंट किसको करता है, तो यहाँ पे हुक बोल्ट को करता है, ये आप देख लिए। आपको मैं एक बोल्ट का भी एक नेक्स्ट क्लास लूँगा, उसमें बोल्ट के बारे में और आइसोमेट्रिक दोनों के बारे में बता दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा। आप कहीं भी ये नेट पे सर्च करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट क्या होता है, आई बोल्ट, हुक बोल्ट, टी बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट, आपको ईजिली मिल जाएगा ये, ठीक है। ये आरएफ का क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, ऑन ए ड्राइंग ऑफ 10 cm लेंथ, ये ड्राइंग लेंथ क्या है 10 cm, एक्चुअल डिस्टेंस 1 मीटर, तो आरएफ क्या होगा। फिर दोनों का एक ही मैं लेता हूँ, एक ही यूनिट लेता हूँ, अगर सीएम ले रहा हूँ तो इसका भी सीएम लेना पड़ेगा, जैसे 10 cm और एक्चुअल लेंथ क्या है 100, 100 cm, 1 मीटर इज टू 100 cm, तो इसका आरएफ क्या हो जाएगा 1:10, तो राइट आंसर इज सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्ट्रिंग इज वुंडेड ओवर सर्कुलर डिस्क, इट इज नाउ अनवुंडेड विथ इट्स फ्री एंड कीपिंग इट रिमेन टाइट एंड टेंजेंट टू द डिस्क, द कर्व ट्रेस्ड बाय द फ्री एंड। आपको मैं बताया था एक ये था डिस्क था, उसके बाद जो ये फ्री एंड जो कर रहा था वो किसका था, इन्वॉल्व। देखिए इसी तरह क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा जो भी मैंने बताया, ऐसा नहीं कि जो मैं अभी बताया वो जो पढ़ाया उस वही क्वेश्चंस लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पेपर में कंप्लीट लिया था, आप कोई भी पेपर आप खोल के देखें, आपको इसी तरह का कमोबेश इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस तो जो भी मैं छूट गया या आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा ड्राइंग में कौन सा आपको कौन सा पार्ट आपको उससे नहीं हो रहा है, एक तो आइसोमेट्रिक मैं लूँगा ही फिर से डिटेल्स, और भी आपको अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं वहाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लूँगा, और मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और एक वीडियो बना के जितने भी ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं अगर वो डिफरेंट डिफरेंट हैं तो सारे मैं एक साथ उसको कवर कर लूँगा। आप लोग को जो भी कंटेंट चाहिए, जैसे इसका PDF चाहिए PPT का, या फिर क्वेश्चंस पेपर चाहिए, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, फेसबुक पेज को मैं लिंक उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाएं, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF रहे, क्वेश्चंस पेपर रहे, और बहुत सारे मैं धीरे धीरे डालते रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ओके दोस्तों, तो अगर आप मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूँगा आपको मिल जाए, और हाँ बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उससे आ जाएगा,
आप जल्द से जल्द उसको देख सकें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जो भी RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एस्पिरेंट हैं उसके साथ, ताकि सबको बेनिफिट मिले कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।